स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने पोटेंशियल के कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट हमने स्फेरिकल शेल के लिए एक हमने चार्ज स्फेरिकल शेल ली थी। चार्ज स्फेरिकल शेल उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था। फर्स्ट हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन हो गई। सेकेंड हमारे पास जो है वो है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो स्टूडेंट मैंने आपको बोला था कि जो स्फेरिकल शेल के लिए हमने जो डेरिवेशन किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वही डेरिवेशन इसके लिए काम में आएगा। तो कंडक्टिंग स्फीयर, ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हम चार्ज करेंगे, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन डिराइव करेंगे। थर्ड हमारे पास अभी है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो ऐसे ही हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी, इसमें कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होगी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होगी अगर इनको हम चार्ज कर दें। तो इसी तरह से इन दोनों का सेम डेरिवेशन होता है और ये आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके लिए भी वही हमें तीन कंडीशंस लेनी है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि एक हमने कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, इसको जब हम चार्ज करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके एंटायर वॉल्यूम में इस तरह से आ जाएंगे। वो हम मिड पॉइंट लेते हैं, इसके रेडियस कैपिटल आर लेते हैं और पी पॉइंट जो है उसकी तीन कंडीशंस होती है। इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करना है और इस पी पॉइंट की तीन कंडीशंस हम लेते हैं, आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर एंड थर्ड जो है वो है सरफेस। तो सबसे पहले अगर हम पी पॉइंट की बात करें तो ये क्या हो गया, आउटसाइड द स्फीयर। तो इसके लिए जब हम ओपी डिस्टेंस लिखते हैं स्मॉल r, वो कितनी हो जाती है, ग्रेटर देन रेडियस। सेकंड हम कंडीशन लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो सरफेस पर अगर इस पी पॉइंट को हम ले लें, ये P पॉइंट अगर कहाँ आ जाए, इस सरफेस पर आ जाए, तो ये जो OP डिस्टेंस है स्मॉल r वो किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी। थर्ड हम जो कंडीशन लेते हैं वो कौन सी है, इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर हम अगर P पॉइंट लेते हैं तो ये स्मॉल r लेस देन हो जाएगी रेडियस। तो इस तरह से तीन कंडीशंस पर हम P पॉइंट्स लेकर और उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन देखिए। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, इसमें हम डायग्राम बना रहे हैं। ये हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, जब हम इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं इसके एंटायर वॉल्यूम में इस तरह से चार्ज दिखा सकते हैं। ओ हमने मिड पॉइंट लिया है, ये आर इसकी रेडियस है और पी पॉइंट हम ले रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर। तो ये जो ओपी डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल आर, ग्रेटर देन हो जाएगी कैपिटल आर। इस कंडीशन में हम पी पोटेंशियल, पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वी का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए जब इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आते हैं हम पी पॉइंट पर, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट हमारी क्या रहेगी, इंफिनिटी, क्योंकि वहाँ से हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं कहाँ पर, इसलिए आर। ये पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सेकंड थिंग हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई का फॉर्मूला, ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये फॉर्मूला यहाँ पर करें देन इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इंफिनिटी टू आर इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पुट किया आर, ये हो जाएगी और वी आर वेक्टर। अब इस फॉर्मूले को हम किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस हमने बाहर ले लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर
तो स्मॉल आर के एस्पेक्ट में करना है, किसका करना है, वन अपॉन आर स्क्वायर का करना है, और इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, डी आर, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, इसको हम लिखेंगे डी आर, और यहाँ से हमने वन अपॉन आर स्क्वायर ले लिया है, के क्यू हमारा बाहर आ गया। नेक्स्ट हम स्टेप लेते हैं इंटीग्रेशन, मैंने आपको बता रखा है कि एक्स की पावर एन डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसी तरह से हमारे पास क्या है, बी इक्वल्स टू माइनस के क्यू इंफिनिटी टू आर, इसको हम ऊपर लेंगे तो पावर आ जाएगी माइनस में डी आर। अब ये जो पावर है हमारे पास वो माइनस में है, आर की पावर माइनस टू डी आर, स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में हमें करना है। ये रेफरेंस फॉर्मूला है यहाँ पर, जिसमें एक्स के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ हमें स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में करना है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, आर की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड माइनस टू प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आंसर हमारा माइनस वन अपॉन आर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे पास। देखिए ये जो फर्स्ट कंडीशन का जो हमारे पास डेरिवेशन हो रहा है ये सेम वैसा ही है जैसे हमने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए लिया, जब हमने चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन निकाली थी आउटसाइड द स्फीयर एंड सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो इन दोनों कंडीशन में हमारे पास फर्स्ट के लिए फॉर्मूला आया था b इक्वल्स टू के क्यू अपॉन स्मॉल r, सेकंड जो कंडीशन हमने निकाली थी सरफेस के पोटेंशियल की उसमें हमारे पास फॉर्मूला आया था b इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल r, वही दोनों कंडीशन यहां आने वाली, वो दोनों जो सेम फॉर्मूला है वो यहां आने वाली है, क्योंकि सेम प्रोसेस चल रहा है अभी तक, b इक्वल्स टू माइनस के क्यू, हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आता है माइनस वन अपॉन r, लिमिट पुट कर देंगे हम, देन माइनस माइनस हो गया हमारे पास ये प्लस के क्यू, लिमिट पुट करते हैं वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो गया, इंफिनिटी में डिवाइड करेंगे हम वन में कितना आ जाएगा जीरो, एंड वन अपॉन आर हमारे पास इक्वेशन बच गया। तो बी का अपने पास फॉर्मूला आया है के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ जाती है किसके लिए, बी आउटसाइड के, तो ये फर्स्ट कंडीशन हमने डिराइव कर ली है, इसके लिए है जब हमने चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकाला है, P पॉइंट कहाँ लिया है, आउटसाइड द स्फीयर लिया। सेकंड हम क्या लेंगे कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये हमें कंडीशन लेनी है और उस पर पोटेंशियल निकालना है, सेकंड देखते हैं। अब हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन हम ले रहे हैं चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज किया है इसको, O मिड पॉइंट है, P पॉइंट अब हम कहाँ ले रहे हैं, ऑन दी सरफेस ऑफ दी स्फीयर। सेकंड चीज हमारे पास ये R क्या है, इसकी रेडियस है, अब स्मॉल r जो कि O के डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो गई, कैपिटल R के इक्वल हो गए, हमें अब क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट का, तो हमें इंटीग्रेशन करना है इंफिनिटी टू कैपिटल R, क्योंकि हम अब कहाँ पर आ रहे हैं, इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं इस P पॉइंट पर, और ये जो P पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहाँ पर स्मॉल r है, और वो इक्वल किसके है, कैपिटल R के इक्वल है, जो कि क्या है, इस स्फीयर की रेडियस। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसको डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, बी आउटसाइड हमारे पास फॉर्मूला आया है के क्यू अपॉन स्मॉल r, ये हमारे पास मस्ट इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में अगर हम स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी बी सरफेस के लिए कितनी के क्यू अपॉन कैपिटल R, तो ये सेकंड हमारे पास इक्वेशन आ गई है ऑन दी सरफेस ऑफ दी स्फीयर। अब हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, थर्ड कंडीशन में हमें क्या लेना है, P पॉइंट इनसाइड द स्फीयर लेना है, इनसाइड द स्फीयर लेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और जब हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्जेस नहीं होंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, जिसके कारण पोटेंशियल भी कितना आया था, जीरो होगा। और हमें एक बात हम ध्यान रखनी है, यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, देन उनकी वैल्यूज को हम ऐड करने वाले हैं, टू पार्ट्स कैसे होंगे, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इंफिनिटी से कैपिटल R लेकर आ रहे हैं, देन कैपिटल R से स्मॉल r लेकर आ रहे हैं, तो टू पार्ट्स हो गए, इन दोनों की वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, दैट फॉर्मूला निकालेंगे थर्ड कंडीशन के, ये सिर्फ हमें थर्ड कंडीशन में करना, तो देखते हैं
स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम में रहेगी। ओ हमने पॉइंट लिया है, ये रेडियस है। पी पॉइंट हमने इनसाइड द स्फेरिकल शेल लिया, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया। तो स्मॉल आर जो है वो क्या हो गई, लेस देन कैपिटल आर हो गई है। अब क्या करना है देखो, सबसे पहले बात करनी है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। हम जनरली क्या लिखते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप ये लिखते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जब हम चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है कुछ चेंज आता है। उसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये आ गया के क्यू, देन यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू आर कैप। ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, ये किसके लिए है, ये सिर्फ चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए होगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पर चेंज हुई है। जब हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो रहता है, देन कोई पोटेंशियल वहाँ पर नहीं होगा, इसलिए उसको हटा के यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं। जब चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू आर कैप। तो ये फॉर्मूला हमें बी के फॉर्मूले में, पोटेंशियल के फॉर्मूले में पुट करके देन हमें डेरिवेशन लग कर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, करने वाले हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक करेंगे, सबसे पहले हम इंफिनिटी से कैपिटल आर आर। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर माइनस, ये माइनस का साइन फॉर्मूले के साथ है। जैसे ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है माइनस लिखा है, ये फॉर्मूले के साथ है माइनस, और हम क्या कर रहे हैं दोनों ही पार्ट को ऐड कर रहे हैं। देन हम कहाँ से कहाँ आएंगे, कैपिटल आर से हमें स्मॉल आर आना है, और हमने इसको क्या कर दिया, दोनों पार्ट को इस तरह से प्लस कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, जब हम इंफिनिटी से कैपिटल आर आते हैं, ये सेकेंड कंडीशन है। जब हमने बात की थी कि हमें पोटेंशियल कहाँ निकालना है, ऑन दी सरफेस ऑफ दी स्फीयर निकालना है, और उसमें हमारे पास डायरेक्ट जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर आया था। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है हमें, कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई का ये फॉर्मूला हमें पुट करना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू स्मॉल आर देन आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम डी आर लिख सकते हैं। देन फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर। देखो इसमें डायरेक्ट हमने सॉल्यूशन लिखा है इस कंडीशन का, क्योंकि सेकंड कंडीशन की हमारे पास पहले से इसका सॉल्यूशन है, तो हमने डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख दिया है। और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन इसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में। तो ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है उसको हम ले लेते हैं बाहर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, ये हमें बाहर ले लिया है। स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, आर का कर रहे हैं। अब देखिए के क्यू अपॉन आर क्यू हमने बाहर ले लिया है, यहाँ क्या बच रहा है, ये चीज़ें बच रही है। अब ये कंट्रीज आर यहाँ लिख लिया है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है स्मॉल आर। अब यहाँ पर पावर कितनी है, वन है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, स्मॉल आर डी आर पावर कितनी है, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, देन हमारे पास सॉल्यूशन आता है आर स्क्वायर अपॉन टू। तो इसका सॉल्यूशन हो गया हमारे पास स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू, देन इसमें हमें लिमिट पुट करनी है। तो आइए आगे कैसे करते देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। इसका इंटीग्रेशन किया, हमारे पास इंटीग्रेशन आया है कितना, आर स्क्वायर अपॉन टू। तो आर स्क्वायर अपॉन टू लिखा हमने, इसमें लिमिट पुट करेंगे कैपिटल आर टू स्मॉल आर। v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, देन स्मॉल आर पुट करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन टू माइनस कैपिटल आर पुट करेंगे कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू। देन देखिए यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर, और इस पूरी टर्म में से के क्यू अपॉन आर हम क्या ले सकते हैं, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं, तो के क्यू अपॉन आर
स्क्वायर अपॉन टू माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकाला जाए तो
फंक्शंस डिराइव करके ये फार्मूला जो है वो डिराइव करना। तो नॉन कंडक्टर के लिए अगर वैसे भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि अलग अलग कंडीशन के लिए जा सकता है, आपको ओनली आउटसाइड के लिए पूछ सकता है, ओनली इनसाइड के लिए पूछ सकता है, या फिर कोई दो या फिर तीन कंडीशन दे सकता है। लेकिन अगर आपको ये रिलेशन निकालना है तो आपको चारों कंडीशन अप्लाई करनी होगी। तो हमने क्या क्या बात कर ली है, प्रीवियस वीडियो में हमने स्फेरिकल शेल के लिए बात कर ली है, उस पर पोटेंशियल निकाल लिया है। सेम वहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी डेरिवेशन होगा उसके जैसा ही। और यहाँ आज हमने कौन सा पढ़ा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल की चार कंडीशंस हैं जो हमने निकाल दी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ये पढ़िए आप, और थैंक यू सो मच।